आइए सुनते हैं ये निर्गुण भजन जो क्या कह रहा है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं, लेकिन हम तुम्हें एक मति और बना बैठे हैं, एक मन और बना बैठे हैं। मैं न होता तो क्या होता। एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है प्यारे। जब अशोक वाटिका में मां सीता को मारने के लिए जिस समय रावण क्रोध करके तलवार लेकर के सीता मां को मारने के लिए दौड़ पड़ा, तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीन कर इसका सिर काट देना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी वहीं थे। किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देख करके वे गदगद हो वे सोचने लगे, यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं न होता तो सीता जी को कौन बचा, सीता जी को कौन बचाता। हनुमान जी सोच रहे, बहुधा हमको ऐसा ही भ्रम हो जाता है प्यारे, मैं न होता तो क्या होता। परंतु ये क्या हुआ, सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ ही गए कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं। आगे चलकर के जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वह लंका जलाएगा, तो हनुमान जी को बड़ी चिंता हुई कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए मुझसे कहा ही नहीं। और त्रिजटा कह रही है कि स्वप्न में देखा है मैंने, एक बानर ने लंका जला दी। उन्हें क्या करना चाहिए, ये सोचने लगे प्रभु इच्छा जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। जब रावण ने अपने सैनिकों को तलवार लेकर के हनुमान जी को मारने के लिए भेजा, हनुमान जी ने अपने बचाने के लिए तनिक चेष्टा नहीं की। और जब भी विभीषण ने आकर के कहा कि दूत को मारना अनीति है, उन्होंने बचाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। पकड़ गए, सभा में ले गए, लेकिन वहां क्या हुआ, विभीषण जी आ गए। दूत को मारना अनीति है, नीति नहीं है। हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने यह उपाय कर दिया। आश्चर्य है कि पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ पर कपड़ा लपेट कर घी डालकर आग लगाई जाए। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा की बात भी सच हो गई, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहां से घी तेल और ये कपड़ा लेके आता, कहां ढूंढता। पर वह भी प्रबंध रावण ने ही कर दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की बात क्या है, क्या बात है। इसलिए सदैव याद रखें कि संसार में जो हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है, वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम ना पालें कि मैं न होता तो क्या होता। ना मैं श्रेष्ठ हूं, ना ही मैं खास हूं, मैं तो बस छोटा सा ईश्वर का दास। हे प्रभु, बस इतनी कृपा बनाए रखना। आपका भजन और सुन सुमिरन करता रहा। सुनिए निर्गुण भजन के द्वारा क्या बताए। बिन भजन के जगत में तू प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। प्यारे, बिना भजन के मोक्ष नहीं मिलेगा। बिन भजन के जगत में तू प्राणी
मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, वक्ता हो जाए, ज्ञानी हो जाए, बिना भजन के कल्याण नहीं होगा। और क्या जो जो वायदा प्रभु से किया था, भूल करके न नाम लिया था। यारे वायदा तो कर बैठा लेकिन भूल गया आकर के संसार। जो जो वायदा प्रभु से किया था, भूल करके न नाम लिया था। भूल बैठा है माया में प्रभु को, हाँ भूल बैठा है माया में प्रभु को, वो भुलाने के काबिल नहीं है। माया में भूल गया, माया में लगा पड़ा है, वायदा करके प्यारे सोच, जब यम का डंडा पड़ेगा पीठ पर तो तेरी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। तूने कीनी ना नेकी कमाई, तेरी होगी ना जग में भलाई। कभी भलाई की नहीं, अच्छा काम किया नहीं, कैसे संसार में तेरा नाम लेंगे लोग, कैसे तुझे याद करें। तूने कीनी ना नेकी कमाई, ओ तेरी होगी ना जग में भलाई। कैसा सुंदर ये नर्तन मिला है, ओ कैसा सुंदर ये नर्तन मिला है, वो गवाने के काबिल नहीं है। ये सुंदर नर्तन मिला है, यूं ही गवाए चला जा रहा है, जरा सोच प्यारे। सांसों के अनमोल मोती, कहीं भी घर ना ये जाएं जमी पर। ये अनमोल मोती जो सांसों के है ना प्यारे, कहीं बिखर ना जाए जमी पर, पड़ा रह जाए तू, फिर सोचे कि क्या हुआ। हो तेरी सांसों के अनमोल मोती, कहीं भी जमी पर। बिन गुरु बन के निगुरा तू डोले, पास बिठाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। हाँ तो आइएगा गौर करते हैं इस संगीत और सत्संग के महासंगम के द्वारा कितनी सुंदर बात बताई गई है। जो इंसान भक्ति से दूर है, प्रभु के नाम से दूर है, उन्हें प्रभु के नाम से जोड़ने का हमें प्रयत्न करना चाहिए और उन्हें संतों की शरण में, संतों का स्टूडेंट बन करके उन्हें ये शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि भगवान की हमें प्राप्ति कैसे होगी।
क्योंकि समय नहीं है हमारे तुम्हारे पास। हम कहते हैं ना कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, लेकिन प्यारे पता किसी को एक पल का नहीं है। ऐसे ही एक पति और पत्नी थे जो आपस में बड़ा ही प्रेम किया करते थे। उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी ही भगवत भक्त थी और समय समय पर अपने पति से वो एक ही बात कहती थी कि आप भगवान का भजन किया कर। लेकिन वो यही जवाब देते थे, अरे अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी कोई करना जरूरी नहीं है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, आगे मैं भगवान का भजन कर लूंगा। जब जब उनकी पत्नी ये कहती तब तब वो यही कह करके उन्हें समझा देते। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन उनके पति को बहुत तेज बुखार आ गया। जब बहुत तेज बुखार आया, इधर में क्या होता है, डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब ने दवाई दी। जब दवा दी और उन्होंने समझाया, बहन जी ये दवा अभी आपको एक घंटे बाद देनी है और ये शाम को देनी है, फिर सुबह शाम खिलाते रहना और ये स्वस्थ हो जाएंगे। डॉक्टर साहब दवा देकर के चले गए, लेकिन एक घंटा व्यतीत हुआ, पत्नी ने दवा नहीं दी। भाई साहब ने बुलाया, अरे जो डॉक्टर साहब दवा देकर के गए थे उस दवा को लेकर के आओ, उसका समय हो गया है, मुझे खानी है। उन्होंने कोई गौर नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं की। बहुत देर हो गई, कहा अरे तुम दवा क्यों नहीं दे रही हो, अगर मैं दवा टाइम पर नहीं लूंगा तो फिर मैं सही नहीं हो पाऊंगा, इसलिए दवा मुझे टाइम पर खानी होगी, डॉक्टर साहब बता करके गए हैं। पत्नी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। कई बार उन्होंने ऐसा कहा तो उनकी पत्नी ने कहा, अरे क्या करोगे अभी दवा खा के, अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, आगे दवा खा लेना। कहा क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम पागल हो गई हो, अगर मैं दवा टाइम पर नहीं लूंगा तो फिर मेरा बुखार, मैं स्वस्थ नहीं हो सकता ना, इसलिए दवा तो मुझे टाइम पर लेनी पड़ेगी। कहा स्वामी वैसे मैं दवा के लिए मना नहीं कर रही हूं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है, जिस प्रकार से आप कह रहे हो ना मैं दवा टाइम पर नहीं लूंगा तो मैं स्वस्थ नहीं हो सकता, मैं अच्छा नहीं हो सकता, ऐसे ही जब जब मैं आपसे कहती थी कि आप भगवान का भजन करो तो आप एक ही बात कह के टाल देते थे कि अभी तो बहुत समय पड़ा है। अरे जिस प्रकार से इसी समय आज ही आपके लिए ये दवा जरूरी है, उसी प्रकार से हमारे तुम्हारे सबके लिए ये भगवान का भजन, भगवान का नाम लेना भी बहुत ही जरूरी है। मैं दवा के लिए मना नहीं कर रही हूं, दवा खाओ, लेकिन जिस प्रकार से दवा जरूरी है उसी प्रकार से राम नाम रूपी दवा भी उतनी ही जरूरी है। और क्या बताया है भजन के द्वारा, गौर करिएगा। प्यारे इंसान प्रभु के नाम से दूर होता हुआ चला जा रहा है, लेकिन प्यारे हम भगवान के नाम से दूर हो जाएंगे तो फिर हमारा जीवन, ये मानव शरीर का जो उद्देश्य है वो नष्ट हो जाएगा। भक्ति से प्रभु की भक्ति शक्ति से, क्यों दूर है इस भक्ति से प्रभु की भक्ति शक्ति से, मगरूर है क्यों मस्ती से, कुछ पूछ ले इस हस्ती से, ये जीवन तो एक दिन जाना है, जाना है लौट के।
की भक्ति शक्ति से मगरूर है क्यों मस्ती से, कुछ पूछ ले इस हस्ती से, ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है, ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के लौटना बड़ा मुश्किल है, सत्कर्मों के द्वारा ही जीव इस मन मंदिर में वो है उसकी है प्यारी मूरत, जहां भी देखूं वही दिखे उसकी है प्यारी सूरत, जहां भी देखूं वही दिखे उसकी है प्यारी सूरत, इस मन मंदिर में वो है उसकी है प्यारी मूरत, जहां भी देखूं वही दिखे उसकी है प्यारी सूरत, जहां भी देखूं वही दिखे उसकी है प्यारी सूरत। तू कर्महीन क्यों होया, क्यों व्यर्थ की बातों में खोया, तू कर्महीन क्यों होया, क्यों व्यर्थ की बातों में खोया, दुनिया जागी तू सोया, जब आंख खुली तो रोया, ये जीवन तो पाना, इस प्रभु का ध्यान लगाना, जीवन चाहो तर जाना, प्रभु के चरणों में आना, ये जीवन तो एक दिन जाना।
से जोड़ना ही पड़ेगा। जन्म सवारा जिसने पिया ये अमीरत उसने जन्म सवारा। सुना है वेदों में बहती है एक अमृत की धारा जिसने पिया ये अमीरत उसने जन्म सवारा जिसने पिया ये अमीरत उसने जन्म सवारा। वो ही तो है महादानी सब उसकी मेहरबानी। अब सी छोड़ो नादानी सुन के संतों की बानी। ये जीवन तो एक दिन जाना है लौट के नहीं तो गौर करिएगा। इस सत्संग के द्वारा क्या बताया गया है? जिस शरीर को हम तुम अपना मान बैठे हैं यह भी हमारा नहीं है, और जिस घर को मकान को अपना मान बैठे हैं वो भी हमारा नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है ये सब नाशवान है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वही सत्य है। ऐसे ही एक महाराज थे जिनका नाम था जीवमीत केतु। उनका ऐश्वर्य तीनों लोकों में फैला हुआ था। उनके पास में बहुत ही सुंदर महल थे, जिन महलों से अपने घर से परिवार से बड़ा मोह किया करते थे। देखिए वो महल महल नहीं, वो घर घर नहीं, वो धर्मशाला है, लेकिन क्या बताया जाए। बताया जाता है कि उन्होंने देवराज इंद्र की उपासना करके कल्प वृक्ष को भी प्राप्त कर लिया था। उनका राजभवन इतना भव्य था कि देवता भी देख करके आश्चर्यचकित हो जाते थे। एक धार्मिक नरेश सांसारिक वैभव में आसक्त रहे, ऐसा कवि जो ऋषि मुनि होते हैं देख नहीं सकते हैं। जो जन कल्याण के लिए लोक कल्याण के लिए संसार में विचरते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तपस्या करते हैं। इधर में होता क्या है, एक दिन जब हमारे दत्तात्रेय जी को पता चला है तो वो आज अपने उस भक्त का कल्याण करने के लिए उन्होंने एक अवधूत भेष बनाया, पागलों जैसा भेष बना करके, फटे पुराने वस्त्र पहन करके, आज धूल व धूर हो करके धीरे धीरे राजभवन की ओर चल रहे थे। जब राजभवन में पहुंच गए, वहां जाकर के पलंग पर सो गए, आराम करने लगे, राज सेवकों को बड़ा डर लगा, किंतु
उनका आदर और सत्कार कैसे करें, क्योंकि वो तो पागल से जान पड़ते थे। लेकिन उनके मुख का जो तेज था उसे देख करके सभी भयभीत हो गए, क्योंकि वो एक ऋषि थे, तपस्वी थे। हमारे दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे मेरे प्यारे। बताया गया है मेरे प्यारे, आज महाराज जब जमी केत को बताया गया तो वो आए और कहने लगे, आप कौन हो और कहां से आए हो, इस प्रकार से मेरे इस राजमहल में आप विश्राम कर रहे हो। उन्होंने जवाब दिया, अरे राजन ये तुम क्या कह रहे हो, ये तुम्हारे महल नहीं, ये तो एक धर्मशाला है। क्या है? धर्मशाला। जब इतने वचन कहे, महाराज ने कहा, अरे तुम तो पागल हो गए हो, तुम्हें नहीं पता है ये मेरे महल हैं, ये मेरा राजपाट है, मैं इनमें रहता हूं, और तुम कह रहे हो कि ये एक धर्मशाला है। महाराज ये मेरा राजभवन है, ये धर्मशाला नहीं है, आप जो समझ रहे हैं वो गलत है। इसलिए राजा ने डांटा, फटकारा, लेकिन अवधूत दत्तात्रेय जी ने एक बात कही, तू मुझे एक बात बता, इसमें तू कितने दिनों से वास कर रहा है, रह रहा है। कहा, महाराज मुझे तो अभी 50 वर्ष हुए, 50 वर्ष हुए। राजा, जब जवाब दिया, मुझे 50 वर्ष हुए हैं अवधूत, बोले उससे पहले इसमें कौन था? राजा बोले मेरे पूज्य पिताश्री। अवधूत ने कहा, वे कहां गए, कब लौटेंगे? कहा, महाराज जो चला जाता है वो कभी लौट के वापस नहीं आता है। राजा ने जवाब दिया, उनका शरीरांत हो गया, अब वो कभी लौटेंगे नहीं। अवधूत ने इसी प्रकार कई बार पूछा और राजा को बताया कि पिता से पहले तेरे पितामह, उनसे पूर्व प्रतिपितामह इस भवन में रहे, लेकिन वो चले गए, क्या फिर वो वापस लौट करके आए? अरे राजा तू भी एक दिन चला जाएगा, तू भी इस राजभवन में हमेशा रहने वाला नहीं है, इसलिए अब तू मुझे ये बता कि ये धर्मशाला है या तेरा राजभवन है। अरे जिस प्रकार से हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए, रात्रि व्यतीत करते हैं धर्मशाला में और सुबह होते ही वहां से चल देते हैं, फिर लौट के नहीं जाते, ऐसे ही राजन जिसे तू अपना घर समझ बैठा है, माया मोह में तू सब कुछ भूल गया है। अरे तू एक शांति व्रत और एक न्यायकारी और एक धार्मिक इंसान है, राजा है, लेकिन तू इस प्रकार से मोह माया में सब कुछ भूल गया है, तुझे नहीं पता है ये जिंदगी क्या है, एक किराए का घर है, और तू अपना इसे मान बैठा है। राजा की आंखें खुल गई और अवधूत के चरणों में शीश रख दिया, कहा, प्रभु मेरा जो माया रूपी पर्दा था वो आपने उठा दिया, उसे मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है आपने, मुझे पता चल गया कि मेरा जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए है, ये मानव का शरीर प्रभु की प्राप्ति के लिए है, मैं आज से भगवान का भजन करूं। तो सज्जनों ये शरीर हमारा नहीं है, बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। क्या बताया है भजन के द्वारा, है राजा ध्यान से सुन। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर
से बाहर निकलना पड़ेगा। शरीर साधनों का धाम है, मोक्ष के दरवाजे तक इस शरीर के द्वारा पहुंचेंगे, लेकिन इसे तू यूं ही गवारा है। याचिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए
ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। सूरज को ढलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। लीजिए मेरे संगीत और सत्संग के प्रेमियों, बड़ी ही सुंदर बात बताई गई है। सर नीचे क्यों? देखिए, एक सज्जन थे बहुत ही बड़े दानी थे, एक सज्जन बहुत ही बड़े दानी थे। उनका हाथ सदा ऊंचा रहता था, परंतु वे किसी की ओर नजर उठाकर देखते नहीं थे, किसी की ओर वो नजर उठाकर के नहीं देखते थे। प्यारे, एक दिन किसी ने उनसे कहा, आप इतना देते हैं पर आंखें नीचे क्यों रखते हैं महाराज? आप इतना देते हैं लेकिन फिर भी आप अपनी आंखों को नीचे रखते हैं, चेहरा न देखने से आप किसी को पहचान नहीं पाते महाराज, ऐसा क्यों? महाराज आप ऐसा करते हैं ना, इसलिए कुछ लोग आपसे दोबारा भी ले जाते हैं। इस पर उन्होंने एक बात कही, भैया अरे जो ले जाता है उसे ले जाने दो, जिसकी नसीब का है वो लेकर के जाएगा, तुम्हें नहीं पता है। देनहार कोई और है, देत रहे दिन रे लोग भरम हम पर धरे, याते नीचे ने। प्यारे, अरे मेरे भैयाओ, तुम्हें नहीं पता है, अर्थात देने वाला तो कोई दूसरा है, अरे वो भगवान ही है, मैं तो एक निमित्र मात्र हूं।
लोग मुझे दाता कहते हैं, इसलिए श्रम से श्रम के मारे मैं कभी आंखें ऊंची नहीं कर सकता। अरे देने वाला तो कोई और है और वही दे रहा है, नाम मेरा हो रहा है, वो उसकी उसकी कितनी बड़ी उदारता है, उसकी कितनी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। मैं उसे बार बार नमन करता हूँ, बार बार उसे प्रणाम करता हूँ। वो प्रभु बहुत ही बड़ा कृपा करने वाला है। प्यारे क्या हम कुछ लेकर के आए थे? क्या हम कुछ लेकर के जाएंगे? जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं से दिया। अरे देने वाला कोई और है और नाम हमारा हो रहा है। इस दुनिया में और कोई भी ऐसा नहीं है प्यारे जो दे करके और नाम तुम्हारा कर दे, लेकिन वो परमात्मा वो ईश्वर ही एक ऐसा है जो देने वाला है लेकिन नाम हमारा और तुम्हारा करता है। इसलिए ऐसे प्रभु को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, मैं बार बार नमन करता हूँ। ऐसे प्रभु की मुझे शरण मिल जाए, कृपा मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। आइए इस भजन के द्वारा समझते हैं प्रभु सबके दुखों को दूर करने वाला और सब शरण में लेने वाला है। श्री राधे। प्यारे हमारे तुम्हारे लिए प्रभु की शरण के बिना और कोई भी ठिकाना नहीं है। प्रभु तेरी शरण तजकर शरण पाने कहाँ जाए, प्रभु तेरी शरण तजकर शरण पाने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने, दिए दुख दर्द दुनिया ने, तो दीवाने कहाँ जाए। अगर निर्माण हो जाए, हमारी हर तमन्ना का, हमारी हर तमन्ना का सफर आसान हो जाए। बहुत उलझी पड़ी उलझन, बहुत उलझी पड़ी उलझन, उसे सुलझाने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने, दिए दुख दर्द दुनिया ने, तो दीवाने कहाँ जाए। हे हरी,
तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरी उलझन को सुलझा जाओ, आप ही सहारे हो। क्या बोला है भक्त हरि से, सुना है काम आती है, सुना है काम आती है, तुम्हारे नाम की दौलत। भला किस काम की दौलत, मिले मस्ती तेरे दर पर, मिले मस्ती तेरे दर पर, तो मस्ताने कहाँ जाए, तो दीवाने कहाँ जाए। और मेरे प्यारे सुनिएगा, जहाँ पर फूल हंसते हैं, जहाँ पर फूल हंसते हैं, वहाँ भवरे भी आते हैं, जहाँ पर फूल हंसते हैं, वहाँ भवरे भी आते हैं, जहाँ दिलवर बसे उनका, वहीं वो दिल लगाते हैं, समा जलती है महफिल में, समा जलती है महफिल में, तो परवाने कहाँ जाए, दिए दुख दर्द दुनिया ने, दिए दुख दर्द दुनिया ने, तो परवाने कहाँ जाए, प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए, प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए, दिए दुख दर्द दुनिया ने, दिए दुख दर्द दुनिया ने, तो दीवाने कहाँ जाए, तो दीवाने कहाँ जाए। तो आइए गौर करते हैं मेरे संगीत और सत्संग के प्रेमियों, इस सत्संग की गंगा जो बह रही है, इसमें बताया गया है कि जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, बिना दृष्टांत की पुष्टि नहीं होती है। ध्यान से सुनना प्यारे,
एक साधु नगर से बाहर कुटिया में रहा करते थे, परंतु भिक्षा मांगने तो उन्हें नगर में आना ही पड़ता था। मार्ग में एक वैश्या का घर पड़ता था। वैश्या उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करने का प्रतिदिन उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करती थी, लेकिन वो कभी आकर्षित नहीं हुई। एक दिन उसने पूछा, तुम पुरुष हो या स्त्री? साधु ने उत्तर देते, एक दिन इसका उत्तर दूंगा, ये कहा। साधु ने कहा, मैं इसका एक दिन उत्तर दूंगा तुम्हें। वेश्या ने इसका कुछ और अर्थ लिया। वह प्रतिदिन उसके नगर में आने का मार्ग देखती थी, सदा उससे यही उत्तर मिलता था। सहसा एक दिन एक व्यक्ति ने आकर के समाचार दिया कि वेश्या को कि महात्मा जी की कुटिया पर आपको बुलाया गया है। वेश्या वहां पहुंची, बड़ी प्रसन्न हुई। साधु बीमार थे, भूमि पर पड़े थे, और अब उनके जीवन के कुछ छड़ ही शेष थे मेरे प्यारे। इसलिए उन्होंने वेश्या से कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का वचन दिया था, इसलिए बेटी वह उत्तर आज दे रहा है। मैं पुरुष हूं, बोले मैं पुरुष हूं। वेश्या बोली, यह उत्तर तो आप कभी भी दे सकते थे। साधु ने कहा, बेटी केवल पुरुष का शरीर मिलने से कोई पुरुष नहीं हो जाता। जो संसार के भोगों में आसक्त है, वह माया के परतंत्र है। परतंत्र जीव माया की कठपुतली है, तो स्त्री ही है ना। अरे वो माया की कठपुतली है तो वो स्त्री ही माना जाएगा। पुरुष ही है जो माया का स्वामी है, उससे एकांतता प्राप्त करने पर ही पुरुषत्व प्राप्त होता है। बेटी जीवन जब तक है, कोई नहीं कह सकता कि कब माया उसे नचा ली। परंतु जब मैं जा रहा हूं, अब मैं कह सकता हूं कि माया मेरा कुछ नहीं कर सकी। आज तक माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, और अब क्या बिगाड़ेगी? कुछ पल हैं, अब मैं समझता हूं कि मैं पुरुष हूं। अब मैं समझता हूं कि मेरा जो उद्देश्य था वो पूर्ण हो गया। इसलिए प्यारे, हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान का भजन, थोड़ी सी जिंदगी है, जरा सोचिएगा, समझिएगा हमें क्या करना है और कैसे हमारा जीवन सफल होगा। इस भजन के द्वारा आइए सुनते हैं। प्यारे नाम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कबहु तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी। बड़ी सुंदर बात लिखी है कवि ने भजन के द्वारा। ओ जिंदगी की न टूटे लड़ी, ओ जिंदगी की न टूटे लड़ी, नाम जप लो हो, नाम जप लो घड़ी दो घड़ी, नाम जप लो घड़ी दो घड़ी। हो मन की बीड़ा के तारों को छेड़ो, हो मन के बीड़ा के तारों को छेड़ो, लग जाएगी अमृत घड़ी। नाम जप लो हो, नाम जप लो घड़ी दो घड़ी। प्यारे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। ये श्वासों की डोरें कब
टूट जाएं कब साथ छोड़ दें पता नहीं। हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, नाम जप लो घड़ी दो घड़ी। हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, नाम जप लो घड़ी दो घड़ी। और क्या बताया है कवि ने, बड़ी सुंदर बात लिखी है, गौर करना मेरे प्यारे मेरे भगवत प्रेमियों। हो थोड़ी सी जिंदगानी है ये, हो थोड़ी सी जिंदगानी है ये। बहती नदिया का पानी है ये, थोड़ी सी जिंदगानी है ये। बहती नदिया का पानी है ये, ये पटाके जप लो, हो नाम जप लो घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, नाम जप लो घड़ी दो घड़ी। प्यारे क्या है हमारी तुम्हारी जिंदगी, एक छोटी सी है, थोड़ी सी है, और वो भी जिस प्रकार से नदी में पानी बह रहा है, चली जा रही है, चली जा रही है। और क्या बताया है कवि ने, कोई आया कोई जाएगा, हो कोई आया कोई जाएगा। कौन किसके पीछे आएगा, तोड़ के पंछी पिंजड़ा चला। हो तोड़ के पंछी पिंजड़ा चला, जाते जाते यही गाएगा। जाते जाते यही गाएगा। यहाँ सबको है अपनी बड़ी, हो यहाँ सबको है अपनी बड़ी। नाम जप लो, हो नाम जप लो घड़ी दो घड़ी। हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, नाम जप लो घड़ी दो घड़ी। प्यारे यार सबको अपनी अपनी पड़ी है, ये मेरा वो मेरा है, मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन प्यारे किसी का कुछ नहीं है। इंतजाम हम हजारों वर्ष का करते हैं, लेकिन पता किसी को एक पल का नहीं है। और अंतिम बंद में क्या लिखा है ध्यान से सुन। हो क्या करने तू आया यहाँ, तूने क्या कर दिया है यहाँ। क्या करने तू आया यहाँ, तूने क्या कर दिया है यहाँ। हो तोड़ के पंछी पिंजड़ा चला, जाते जाते
जप लो, हो नाम जप लो घड़ी दो घड़ी, हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, नाम जप लो घड़ी दो घड़ी, हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, नाम जप लो, हो नाम जप लो घड़ी दो घड़ी, नाम जप लो घड़ी दो घड़ी।